आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। गाजीपुर जनपद के जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह की पत्नी शीला सिंह ने भाजपा गाजीपुर सदर प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवंत के सर पर अपना हाथ रखकर उनको जीत का आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजय ध्वज को मजबूत करने के लिए मैं अपने समस्त सहयोगियों के साथ भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवंत के भारी जीत के लिए तन मन से सहयोग प्रदान करूंगी। इस अवसर पर डॉक्टर संगीता बलवंत ने कहा कि अरुण सिंह जी एक बहुत बड़े समाजसेवी और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। उनकी पत्नी के आज इस आशीर्वाद से भाजपा की जीत दोगुनी हो गई है और यह खुला समर्थन है। यह सिद्ध करता है कि भाजपा की 2022 की ये जीत 2017 से भी बुलंद होगी। इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ। इस अवसर पर प्रवासी अरुण कुमार पांडे, मनोज बिंद, गोपाल राय, भानु जायसवाल, रविंद्र जायसवाल, श्री प्रकाश केसरी, शिव प्रसाद सिंह, दीपक सिंह, अमरेश यादव, सुदामा बिंद, अनूप खरवार सहित आदि अन्य लोग उपस्थित रहे। मंत्री जी, अरुण नेता जी काफी लंबे समय तक बीजेपी में रहे, फिर बीजेपी का दामन छोड़ के अब नाराजगी की वजह से वो मतलब हट गए। आप उनके घर पे पहुंची हैं, क्या ये बीजेपी का समर्थन माना जाए कि ये व्यक्तिगत समर्थन है? देखिए, आज यहाँ पे एक बैठक रखी गई है और गाजीपुर जनपद के जो हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले हैं बड़े भाई श्री अरुण सिंह जी, आपकी तरफ से, आपके समर्थकों की तरफ से एक समर्थन मिला है कि हम लोग 2022 में आपके साथ हैं और पूरी तरह से आपका परचम लहराने के लिए आपके साथ खड़े हैं। और इसके लिए मैं आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब लोगों ने इस तरह का जन समर्थन मुझे दिया है। ये पार्टी की तरफ से है कि व्यक्तिगत होगा? अब ये आप जैसा डिसीजन आप खुद देख लें, मतलब समर्थन है तो समर्थन है जी। क्या लगता है अगर इनके समर्थन से मिलने से संगीता बलवंत को कितनी मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, हमारे जनपद के जो अपार जन समर्थन मिल रहा है, आम जनता झूम के कह रही है कि आने वाले समय में 2022 में भारतीय जनता पार्टी और दुगने उत्साह के साथ यहाँ पर विजयी होगी। इस बार विधानसभा में क्या चुनौतियाँ दिख रही हैं? कोई चुनौती नहीं, विधानसभा में कोई चुनौती नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी आंधी आई है कि समाजवादी पार्टी को, विपक्ष को अपना प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा था। जब नामांकन का एक दिन शेष रह गया तो प्रत्याशी घोषित किया गया। कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे जयकिशन साहू? कोई नुकसान नहीं, भाजपा का जो सबका साथ सबका विकास का सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे और लोग जुड़े हैं। इस 5 साल के कार्यकाल में हर जाति धर्म, हर मजहब, हर क्षेत्र के लिए काम किया गया है और हमारे समर्थकों की संख्या बढ़ी है, तो ऐसे में कहीं से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि जन सैलाब और ज्यादा बढ़ा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।